नमस्कार, हजारिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी खबरों से लगातार जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तालवेहट नगर की प्राचीन संस्कृति का भूतक वर्षों से चला आ रहा पीरों का मेला आज भी हजारों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। तभी आज के दिन नगर व क्षेत्र के अलावा दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर पीर बाबा की सांगलों से आशीर्वाद लेते हैं। यह जनसैलाब प्रति वर्ष इसी तरह पीर बाबा के दरबार में माथा टेक कर उनसे आशीर्वाद लेता है। आइए देखते हैं अमित गुप्ता के साथ यह खास रिपोर्ट। तालवेहट के ऐतिहासिक पीरों के मेला में जहां पर कि इस दिन का इस लम्हे ऐतिहासिक लम्हे का हजारों लोगों को जहां इंतजार रहता है, सब वर्ष भर लोग आज इस दिन का इंतजार करते हैं। ऐसी प्राचीन मान्यता है कि बरसों से इस तरह से पीरों की सवारी निकलती आ रही है। वहीं आज के दिन यहां पे हजारों की संख्या में लोग पीर बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा मानना है कि पीर बाबा से एक बार आशीर्वाद लेने के बाद वर्ष भर ये मानिए कि पीर बाबा की सांकलों का आशीर्वाद उस व्यक्ति की हर अलबला से रक्षा करती हैं। वहीं अगर हम ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जहां दवाओं का असर खत्म हो जाता है वहीं से पीर बाबा की दुआओं का असर शुरू होता है। आज इस ऐतिहासिक लम्हे पर हम अपने सहयोगी अमित जी से कहेंगे कि जरा दिखाएं, कैमरा के माध्यम से दिखाएं कि जिस तरह से यहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, लोग आशीर्वाद लेने के लिए पीर बाबा से आतुर हैं। जिस तरह से भीड़ है, ये कोई ऐसी बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये कोई चुनाव की भीड़ नहीं है, ये आस्था की भीड़ है, जहां लोगों की हजारों लोगों की आस्था है, जहां हजारों लोग पीर बाबा के दरबार में माथा टेकते हैं और उन्हीं की ऐसी लोगों की आस्था है जिस वजह से लोग आज यहां हजारों की संख्या में आते हैं। और जहां से दवाएं का असर खत्म होता है वहां से पीर बाबा की हमारे बीच मौजूद हैं अनुपम लिटोरिया जी, आज मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस मौके पर क्या उनकी राय है। राजस्थान के चिरू ज़िले में एक ददरेवा स्थान है जहां पर जाहर बीर गोगा का जन्म हुआ था। इनके पिता देवसिंह और माँ बाछल देवी थी और ये गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ये संतान पैदा हुई थी। और ये इतने बलशाली और पराक्रमी और इतने सिद्ध पुरुष थे कि इनके नाम से इनके अखाड़े की, इनके स्थान की मिट्टी भी जो लोग लगा के अपना दुख दर्द पीड़ा दूर कर लेते थे। इसी के चलते हुए बुंदेलखंड से कई लोगों का यहाँ से वहाँ उस जगह जाना हुआ और वहाँ के स्थान की मिट्टी लेकर यहाँ आए और अपने यहाँ मंदिर के रूप में यहाँ भव्यता के तरीके से यहाँ स्थापित किया। उसी उपलक्ष्य में ये जाहर बीर गोगा का गोगा नवमी, आज के दिन जो गोगा नवमी पड़ती है, ये गोगा नवमी के उपलक्ष्य में ये पीरों का मेला तालवेहट में लगाया जाता है। ये मेला चूँकि काफ़ी विस्तृत लगता है और भी ललितपुर में आज के दिन पीरों का मेला सूक्ष्म रूप में भराया जाता है। झांसी में भी पीरों का मेला सूक्ष्म रूप में भराया जाता है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाहर बीर गोगा के मानने वाले काफ़ी लोग अनुयायी हैं उनके, और आज के दिन लाखों करोड़ों की संख्या में गोगा देव की मढ़िया पर, गोगा चिरू जिले में ददरेवा स्थान पर आज के दिन गोगा नवमी को लाखों लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। धन्यवाद। हम आपको बता दें कि ये जो आज आप पुल देख रहे हैं, ये तालवेहट का जहाँ से पीर बाबा की सवारी निकलेगी, यहाँ बरसों पहले ऐसी मान्यता है कि ये यहाँ पुल नहीं था, यहाँ एक केवल रिपटा हुआ करता था, यहाँ पूरा रिपटा हुआ करता था और बरसात के समय में ही पीर बाबा की सवारी निकलती थी तो कई बार यहाँ रिपटा पे पानी आ जाता था। तो ऐसी मान्यता है, ऐसा लोगों का मानना है कि जब पुल पर पानी अधिक हो जाता था तो पीर बाबा की सांकलों में इतनी ताकत थी कि वो सांकलों के सहारे पानी के रुख को बदल देते थे और जब पानी का रुख बदल जाता था तो वह इस पुल के माध्यम से उस पार निकल जाते थे। और इस तरह से जिस शान से आज पीर बाबा की सवारी निकल रही है, ऐसे ही वर्षों पहले भी निकलती आई है। पीरों की जो सवारी का समापन है वो छड़द्वारी पर मौजूद बड़े पीरों की मढ़िया पर जाकर, यहाँ पर आकर पीर सांकलों से अखाड़ा खेलते हैं। वहीं यहाँ जाकर पीरों की सवारी का समापन हो जाता है और
ये पीरों व जन्माष्टमी के मेले का यहीं से आगाज होता है, इसी मढ़िया से आगाज होता है। यहीं पर सैकड़ों की हजारों की संख्या में श्रद्धालु माथा टेकते हैं और पीर बाबा से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं।